बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिस अमृत के भंडार को पाने के लिए तुम इस जगत में आए हो, वह अमृत का स्रोत सद्गुरुदेव की भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। भांति भांति के वेश बनाने तथा चतुराई दिखाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक चित्त में दुविधा अथवा द्वैत भावना है, अमृत का यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ए मन, तू इधर उधर भटकना अथवा माया के पीछे दौड़ना छोड़ दे तथा संत सद्गुरु द्वारा बतलाए हुए ठिकाने पर स्थिर रह। बाह्य जगत में खोज करने से हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें भटकने से तो सुख के बदले दुख ही उपलब्ध होगा, तथा यदि अमृत का भंडार घर ही में अथवा अपने घट भीतर ही है, तो फिर बाहर मायावी पदार्थों में खोजने की क्या आवश्यकता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। अर्थात गुरुमुखो, मृग की अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ होता है, उसकी सुगंधि से लालायित होकर उसे प्राप्त करने के लिए वन वन में खोजता फिरता है। इसी प्रकार हर घट में प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु निवास करते हैं, परंतु कोई भी प्राणी संत सत्पुरुषों के पथ प्रदर्शन के बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य भी संसार में मालिक को प्राप्त करने के लक्ष्य से ही आया है, परंतु यहाँ आकर मोह माया में उलझकर अपने ध्येय को बिल्कुल विस्मृत कर बैठा है। गुरुमुखो, इसीलिए वह दुखी व अशांत रहता है। अज्ञानतावश संसार के मायावी पदार्थों में ही सुख व शांति की खोज करता है तथा आनंद धाम में पहुँचने की चाह भी रखता है। वास्तव में वह अपने पथ से भटक गया है। गुरुमुखो, संत सत्पुरुष ही जीव को भक्ति का वास्तविक पथ दर्शाते हैं। भक्ति की कमाई करने से मोह माया अज्ञान इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे कि सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार गुरुमुखो, परम सुख की खान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो भक्ति है, उसका हृदय पटल पर आगमन होते ही माया मोह तथा अज्ञान का अंधकार सर्वथा नहीं रहता।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।